हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग में। दोस्तों, जैसे कि हम बेसिक ऑपरेटिंग कंप्यूटर का सेटअप सीख चुके हैं हमारे पुराने वीडियो में, अगर नहीं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके और हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने पार्ट वन में बेसिक बताया, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारा कंटेंट्स था। तो आप नीचे से दिए हुए डिस्क्रिप्शन से उस पर क्लिक करके हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, सो आपको जितना भी नया वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आप अपनी एडवांस कंप्यूटर नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं फिर आज का पार्ट टू सेशन, एडवांस हमारा क्या क्या हम कंप्यूटर से यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर का फंक्शंस में कैलकुलेटर्स। दोस्तों, कैलकुलेटर्स को हम जाने के लिए, ये तो कैलकुलेटर्स यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या दोस्तों हम यहाँ पे सर्च बटन पे जाके यहाँ पे कैलकुलेटर ऐप पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, जनरली जो कैलकुलेटर होता है वो हम जनरली सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली इसमें हम मल्टीप्लीकेशन, आपका एड एड सबट्रैक्ट या डिवाइड, सिर्फ इसी तरीके से यूज करता है। लेकिन दोस्तों, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ने ये कंप्यूटर बनाया है, ये कुछ खास है। इसमें हम बहुत 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 सारी चीजें यूज कर सकते हैं, एंड जितने लोग यूज करते हैं मे बी उनको पता नहीं है कि ऐसे भी कैलकुलेटर का यूज किया जा सकता है। सपोज मुझे किसी का डेट ऑफ बर्थ, पहले तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे किसी की करेंसी निकालना, वॉल्यूम निकालना, लेंथ निकालना, वेट एंड मास, टेम्परेचर, एनर्जी, एरिया, स्पीड, टाइम, पावर, डेटा, प्रेशर, एंगल और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें, हम टाइम की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हमें टाइम बोलना है कि 60, सपोज कोई बोलता है 10 आवर्स, कितने मिनट्स होते हैं, तो ये पूरा दिखाएगा 10 आवर्स इज इक्वल टू 600 मिनट्स, इट्स इक्वल टू 0.42 डेज, यू नो इट्स 0.06 वीक्स, 36,000 सेकेंड्स एंड और भी मिलीसेकेंड्स। सो हम इससे ये आइडिया लगा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, अगर हम बात करें डाटा की, तो यहाँ पे डाटा भी आएगा। सपोज कोई कहता है 1 GB, तो वट इज द 1 GB? 1 GB डेटा कितना होता है दोस्तों? इट्स 1 GB इज 1000 MB, जनरली इट्स 1024, बट ये रफली ले रहा है 1000 MB। अगर हम इसको जीबीज में अगर बात करें तो 0.93 GB, इसको हम और भी अगर फॉर्मेट में यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, गीगाबाइट्स, बाइट्स, किलोबाइट्स, वट एवर यू वॉन्ट, टेराबाइट्स। अगर हम इसको टेराबाइट्स में लेंगे तो कितना टेराबाइट्स होता है? 0.008। सो अगर हमारे पास 1000, आज की डेट में 1 TB की अगर हार्ड डिस्क है, अगर मैं बात करता हूँ टेराबाइट्स, टेराबिट्स, अगर सपोज ये 1 TB में कितने GB होते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो था हमारा इसका। अभी अगर हमें बात करना है, सपोज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग लाइक डेट कैलकुलेशन। सपोज दोस्तों, हमें बहुत सारे फॉर्म्स भरने होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जहां पे हमें एग्जैक्ट अपने नंबर ऑफ डेज बताने होते हैं। सपोज कोई बंदे जो बॉर्न हुआ वो 2000 में, हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, जनरली ईयर के लिए इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पीछे को जाएंगे। तो ये पीछे, सपोज कोई बंदा 2000 में बॉर्न हुआ और जुलाई में बॉर्न हुआ, जुलाई फर्स्ट को बॉर्न हुआ, तो दोस्तों उसकी जो आज की एज है, इट इज 19 ईयर 11 मंथ 3 वीक एंड 2 डेज। तो है ना दोस्तों, सुपर कैलकुलेशन। तो आप इसका यूज बहुत डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। करेंसी, सपोज हमें करेंसी देखना है, एंड करेंसी में भी ये देखेगा कि इंडियन रुपीस को, सपोज हमें अगर US घूमने जाना है या हमें कहीं पे जाना है, किसी भी कंट्रीज में जाना है, तो आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं और उस कंट्री को, सपोज हमें US घूमने जाना है इंडियन रुपीज, सो हमें 50,000 रुपीज लेके जा रहे हैं हम इंडियंस, तो वो US में कितना होगा? 658 डॉलर्स होगा दोस्तों। तो आपको ये सारे फीचर्स आप कैलकुलेटर्स का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमारा दूसरा टूल है विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी गुड टूल, सो वो टूल है हमारा
स्निपिंग टूल। सो दोस्तों यहाँ पे आपने स्निपिंग लिखना है, स्निपिंग लिखना है, इस पे क्लिक करना है। दोस्तों बेसिकली ये टूल क्या है, ये टूल एक स्क्रीनशॉट है। जैसे आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट होता है, सेम वे ये टूल कंप्यूटर में भी स्क्रीनशॉट का काम करता है। तो दोस्तों देखे कैसे ये स्क्रीनशॉट का काम करता है। इसमें आपको मोड सेलेक्ट करना है, पहले इसमें दो मोड है, ये है बेसिकली, और यहाँ पे आप लोग इससे जाके, सपोज अभी हमें कुछ वेबसाइट खोलना है, ओके, हमें वेबसाइट खोल के यहाँ पे google.com आ गया और हमें ये गूगल चाहिए। तो गूगल की चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्निपिंग टूल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, ओके, हम न्यू पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों एक मिनट दीजिए, ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। रेक्टेंगल, न्यू। तो दोस्तों ये हमारा स्टेपिंग टूल में google.com आ गया। तो अगर आप देखेंगे तो इसको आप सेव कर सकते हैं, इसको कहीं किसी को भेजना है तो आप भेज सकते हैं, इसमें कुछ लिखना है कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि कुछ भी लिखना है, आपको हैप्पी बर्थडे का कुछ केक लिया या कुछ लिया और आपको हैप्पी बर्थडे भेजना है, दोस्तों वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये स्निपिंग टूल है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला टूल है। इस टूल को आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। अभी दोस्तों अगर मैं इसमें बात करूं इस स्निपिंग टूल में, और आप क्या कर सकते हैं, सपोज आपको पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है। सपोज मैं बात कर रहा हूँ, मुझे इस पूरी स्क्रीन का लेना है, तो दोस्तों ये देखेंगे आप पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट मेरे पास आ गया। और आप इसको चाहें तो किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको GIF में सेव कर सकते हैं, इसको आप JPG में कर सकते हैं, PNG में कर सकते हैं, और भी बहुत सारा। तो है ना दोस्तों मजेदार टूल। इस टूल से आप बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो आपको कंप्यूटर से इमिडिएटली किसी को वो करना है वो आप भेज सकते हैं दोस्तों। अब हमारा तीसरा टूल है दोस्तों रीडिंग व्यू। बेसिकली ये टूल हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज का एक पार्ट है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज खोलते हैं एंड माइक्रोसॉफ्ट एज में कोई भी पेज खोलते हैं, सपोज मैं ये पेज खोल देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज में, तो जनरली आप देखेंगे कि बहुत सारा ऐड, बहुत सारी ये चीजें एंड यू नो आपको पढ़ने में दिक्कत होती है दोस्तों, बहुत पढ़ने में दिक्कत होती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये इस बुक पे करेंगे, इसका शॉर्टकट की भी है Ctrl Shift R, इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों और ये रीडिंग व्यू में चले जाएगा। जैसे कि आप बुक पढ़ रहे हैं दोस्तों, एज अ बुक आप देख रहे होंगे, जस्ट बुक का लेफ्ट हैंड पेज एंड राइट हैंड पेज। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल फीचर है इस माइक्रोसॉफ्ट एज का, जो कि विंडोज 7 में है। और अगर आप देखेंगे तो आप आराम से एज इसको बुक की तरह पढ़ सकते हैं दोस्तों, वो सारा चीज जो था वो सारी चीजें चल गए। इसी के अलावा इसमें एक और ऑप्शन है दोस्तों, जनरली जैसे हम कुछ लोग कुछ लिंक शेयर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कैसे दोस्तों, यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करें, शेयर दिस पेज, इस पे शेयर ऑफ दिस पेज पे करेंगे तो यहाँ पे जितनी आई, तो हमारी नियर बाई की कोई डिवाइस है वो कनेक्ट हो जाएगी जो ब्लूटूथ से कनेक्ट है, या फिर हम इधर से कॉपी लिंक कर सकते हैं। हमारा फोन अगर कनेक्ट है तो फोन, मैंने पहले बताया कि पहले कैसे हम कर सकते हैं कनेक्ट, वो पहले वाले वीडियो में बताया तो वो आप जरूर देखे दोस्तों। फोन पे आप कनेक्ट कर सकते हैं तो फोन से डायरेक्ट आप भेज सकते हैं, या मेल पे भेजना है मेल पे, स्काइप या कुछ और भी अगर इंस्टॉल है, ट्विटर इंस्टाग्राम कुछ और इंस्टॉल है तो वो यहाँ से आप भेज सकते हैं। बेसिकली आप, मैं यहाँ पे कॉपी लिंक कर रहा हूँ दोस्तों, और अगर आपने किसी को भेजा तो वो यहाँ पे इसको पेस्ट करके डायरेक्टली इस वाले वेब पे जा सकता है दोस्तों। तो ये था हमारा टूल नंबर जो भी आप बोले 3 या 4। नाउ हम बात करते हैं दोस्तों, अभी आज की डेट में कोई भी सब चीज डिजिटल हो रहा है, सारी चीजें डिजिटल है, तो कोई भी जनरली डायरी को हैंड करके लेके नहीं जाना चाहता है, कोई भी डायरी को अपने साथ लेके नहीं जाना चाहता है। और आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर है या लैपटॉप है साथ में और आप अपना डे टू डे शेड्यूल को मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे जाइए, राइट क्लिक करके आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक यहाँ पे बनाइए और इसको डेली रूटीन या कुछ भी आप डाल सकते हैं, डेली वर्कआउट, डेली वर्क के नाम से हमने इसको कर दिया। और इसको ओपन करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखना है .log और इसको जस्ट सेव कर देना दोस्तों।
इसको आप जैसे ही सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको आप बंद कर दें। अगर आप इसको खोलेंगे दोस्तों, इसमें देखिए टाइम आ गया है कि क्या टाइम था और डेट क्या थी। सपोज अभी आपका आज ऑफिस है, आज की डेट आप कुछ भी डाल सकते हैं, तो आप कर सकते हैं ऑफिस वर्क, फिर आप कर सकते हैं होमवर्क, अभी आपको घर का कुछ सामान लेके जाना है तो ऑफिस का क्या क्या काम करना है, वन सॉरी इसको कर सकते हैं टास्क वन, टास्क वन, टास्क टू, टास्क थ्री, वट एवर इट इज, वट एवर यू वॉन्ट टू मेक इट। और घर का कुछ सामान लाना है तो उसको भी वर्क वन, और भी बहुत कुछ। जस्ट दोस्तों इसको फाइल अगेन सेव कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, और ये आपका एज अ रिमाइंडर, आपका एज अ आप कुछ भी बोल सकते हैं, एक तरीके की ये आपकी डायरी का काम करेगी, जो कि डेट वाइज है, आपका टाइम वाइज है, और आपको टास्क आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा जो आप इसको वर्ड को क्रिएट करके कैसे एज अ डिजिटल डायरी इसको बना सकते हैं। दोस्तों थर्ड है हमारा, थर्ड हमारा है एक जो कि स्टेप रिकॉर्डर होता है। स्टेप रिकॉर्डर दोस्तों क्या करेंगे हम, यहाँ पे वही सेम स्टेप लिखेंगे और स्टेप रिकॉर्डर। अब स्टेप रिकॉर्डर क्या है दोस्तों, ये फीचर आपका बैकग्राउंड में चलता है और आप यहाँ पे अगर स्टार्ट करते हैं, सपोज आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ओके स्टार्ट करके ये स्टार्ट हो गया अभी, और स्टार्ट होने के बाद आप यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम खोलते हैं दोस्तों, और प्रोग्राम खोलने के बाद आप सपोज आपने ये प्रोग्राम खोला और आप अगेन इसी प्रोग्राम किसी भी प्रोग्राम पे जाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप किसी भी पेज पे क्लिक करें, इस पेज पे क्लिक करें, ओके दोस्तों अभी आप ये पेज पे जाने के बाद बस इसको स्टॉप कर दें। स्टॉप करने के बाद दोस्तों क्या होगा, ये बेसिकली आपको सब बताएगा, आपने कहाँ पे क्लिक करा, आपने क्या करा, इसको बंद करा, फिर इसको बंद करा, इसको फिर बंद करा, और ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट भी आप बना सकते हैं, एक तरीके की आप प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आप बनाना चाहें तो वो डॉक्यूमेंट भी बनाते हैं। तो ये सारी चीजें बताएगा दोस्तों कि क्या था रिकॉर्डिंग सेशन, कितने बजे से कितने था, रिकॉर्डिंग स्टेप कितने थे, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, और भी बहुत सारी ये डिटेल्स बताएगा। तो दोस्तों ये भी बहुत यूजफुल टूल है जो विंडोज 10 का है, और आई होप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसका यूज करेंगे दोस्तों। दोस्तों अब बात करते हैं हमारा अगले टूल की, हमारा जो अगला टूल है वो है बेसिकली एक रिलायबल करके एक इसमें टूल है, या व्यू रिलायबल हिस्ट्री। दोस्तों ये टूल जो बेसिकली है ये हमारी पूरी हिस्ट्री बताता है कि अगर हमारा हमारे कंप्यूटर में कुछ भी अगर इश्यूज आया है, कहाँ पे इशू आया है, कौन से दिन इशू आया है, किस चीज़ का इशूज था, सपोज अगर हमारा हार्डवेयर का इशू था, हमारा सॉफ्टवेयर का इशू था, या किस चीज़ का वो था, हमने कोई इंस्टॉलेशन करी तो वो सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई, अगर आप सपोज इस पर क्लिक करते हैं तो ये सब दिखाएगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें दिखाएगा कि क्या इशू है, विंडोज का इशू है, किस लिए है, क्यों है, क्यों रिस्पांस नहीं मिला, कुछ अगर आपको टेक्निकल डिटेल चाहिए मोर फर्दर तो ये आप इधर से देख सकते हैं दोस्तों। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कौन सी कमांड है, आप जस्ट इधर सर्च पे जाएंगे, यहाँ पे रिलायबल लिखेंगे तो व्यू रिलायबल हिस्ट्री एक आपका ऑप्शन है दोस्तों। सो आप सारा यहाँ से सारी चीजें देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इसके बाद हमारा जो अगला टूल है वो टूल भी बड़ा अच्छा टूल है, इसको कैरेक्टर मैप बोलते हैं। अभी ये टूल क्या करता है आप खुद देखें। सपोज आप कैरेक्टर मैप एक टूल है दोस्तों, इसमें क्या है कि कुछ आपको वर्ड्स चाहिए होते हैं, जैसे सपोज आपको ये वर्ड चाहिए, आपको ये मिल नहीं रहा है, ये वर्ड चाहिए दोस्तों, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके दोस्तों इधर से कॉपी करेंगे, और कहीं पे भी अगर आपको सपोज ये यहाँ पे पेस्ट करना है आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जनरली ये टूल मिलेगा नहीं दोस्तों, इसमें एक और चीज होती है, अगर इसका आपको शॉर्टकट देखना है तो आप मेरे ये कर्सर पे देखें, की स्ट्रोक जो इसका है ऑल्ट प्लस 0169 दोस्तों। तो ये बहुत सारे ऐसे आप वो हैं अलग अलग, सपोज आपको कुछ स्पेशल लेटर चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, या आपको कुछ ऐसा चाहिए कि जो आपको लेना हो अपना कुछ लोगों के लिए यूज करना हो, और आप जनरली उसको मिल नहीं रहा है, तो आप यहां से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं अगेन और कॉपी कर सकते हैं, वो वहां पे जाके आप।
तो दोस्तों ये था हमारा कुछ एडवांस टूल। आई होप आपको पसंद आया होगा हमारा ये वीडियो। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको जो भी नया वीडियो है वो नया वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिले, आप देखें और आप उसका यूटिलाइज करें। और हमें प्लीज़ बताएं कि आप कैसे कितना आपको अच्छा हमारा वीडियो कैसा लगा।